ये सवाल बढ़ता है सरकार से कि जब छोटे छोटे किसान रोड पर आ जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये जनित क्रांति, अभी हम मौजूद है शंभू बॉर्डर पर। किसान अभी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, वहीं देख सकते हैं कि किसानों का जो जत्था बढ़ता जा रहा है। अभी संडे का टाइम दिया गवर्नमेंट ने, आप देखते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ जो किसान है, दिखा दे एक बार किसानों का जो जत्था है चारों तरफ, दिखा सकते हैं कि कितनी क्राउड है। वहीं हम कुछ छोटे किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे, हमें यहाँ पे आंदोलन के अंदर दिखाई दिया है। आइए बात करते हैं, क्या नाम है आपका? नवजोत सिंह। नवजोत सिंह जी, आपको किसान आंदोलन में आने की क्या जरूरत पड़ गई? हमें इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि ये दिल्ली नहीं जाने दे रहे, यहाँ पे हमें जाने नहीं दे रहे दिल्ली। दिल्ली आपको क्यों नहीं जाने दे रहे, कौन रोक रहा है? मोदी रोक रहा है। हमें मोदी रोक रहा है? हाँ जी। ये बैरिकेडिंग लगा रखी है, यदि मोदी सरकार आपको नहीं जाने देगी, किसान लीडर आपको फैसला देंगे कि भाई बॉर्डर तोड़ के अब आगे जाना है, तो आप जाओगे या रुकोगे? जाएंगे। ये लड़ाई जीतने आए हो ना? हाँ जी। आपका नाम क्या है? नरबंजोत सिंह। नरबन जी, ये देखिए छोटे छोटे किसान के जो पुत्र हैं या छोटे बच्चे कह सकते हैं, यहाँ पर अपना दुख और दर्द जो अपने आवाज उठाने के लिए किसान आंदोलन के अंदर एकजुट हुए हैं, उनका जोश आपको दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब इस उम्र के बच्चे किसान आंदोलन के अंदर आ रहे हैं तो इनकी मांग जय जय MSP स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर इनकी मांग जो है उसको पूरा करना चाहिए। ये देखना, ये पढ़ने लिखने की उम्र है, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आपके बीच में आंदोलन के लिए रहे। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये वही नौजवान है जिसको देश का भविष्य बताया जाता है। क्या लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी? हाँ मानेगी। थोड़ा उच्चा बोलो। हाँ मानेगी। मानेगी ना? मानेगी। पीछे कई कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, ये जो क्राउड है ये बढ़ता जा रहा है। अच्छा फील हो रहा है कि बुरा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है बहुत। ये देख सकते हैं नौजवान भी हमारे साथ में जुड़े हैं, और भी किस तरीके से यहाँ पे अच्छा बोल रहा है। थोड़ा नाम क्या है? उदय प्रताप सिंह। उदय प्रताप जी, आप इतनी छोटी उम्र है, किसान आंदोलन में कैसे आए हो? मोदी की वजह से आपको रोड पे आना पड़ा। क्या लगता है कि मोदी जी आपकी बात मानेंगे? मानेंगे MSP की जो मांग है, मानेंगे? मानेंगे। लगता है? ऐसा तो पिछली बार भी हुआ था, आश्वासन दिया था और फिर वापस भेज दिया था। वापस नहीं जाएगा। हम वापस नहीं जाएंगे। वापस नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। देखिए लोगों का कहना है कि वापस नहीं जाएंगे। उसे और भी नौजवान है, आज इधर आ जाओ। और क्या नाम बजे थोड़ा? बलवीर सिंह है जी। क्या लगता है कि यहाँ पे किसान जो है, जो संख्या उनकी बढ़ती जा रही है, बदेगी। सरकार आपकी बात मान रही है या वैसे ही टाली जा रही है? टाली जा रही है दीदी। क्या लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी या नहीं? मानेगी। यदि सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो फिर क्या रणनीति रहेगी? हम दिल्ली भी जाएंगे। दिल्ली कूच कर मानेंगे? हाँ जी। कैसे करोगे? या तो हरियाणा प्रशासन ने आपको रोक रखा है। पीछे नहीं हटेंगे, आगे जाएंगे। जैसे जाएगा उसे जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और पिछली बार किसान आंदोलन के अंदर समथिंग 600-700 किसान शहीद हुए थे, एक हमें पता चला आज भी एक किसान शहीद हो गए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? यदि जिम्मेदारी मोदी को लेनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति से, किसान से, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार और भी काफी सारी चीजें जुड़ जाती हैं, वो बिछड़ जाता है तो दर्द तो सभी को होता है। सबको होता है जी। हमारे साथ का यदि कोई बिछड़ जाए तो दर्द तो सभी को होता है ना जी। हाँ जी, सबको। ये देख सकते हैं कि किसान जो है अभी भी शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से डटे हुए हैं। ये शांतिपूर्ण तरीका जो है ये किसानों का रहता है, क्योंकि ये जब तक आगे नहीं आते हैं जब तक इनकी बात मानी नहीं जाए, और जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है फिर इनको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये वही किसान है जो धरती का सीना चीर कर अन्न उगा कर पूरे देश का पेट भरते हैं। ये कृषि प्रधान देश है भारत, और वही कृषि प्रधान देश के किसान आज रोडों पर आ चुके हैं। पंजाब का जो बॉर्डर पड़ता है शंभू बॉर्डर, एक साइड में किसान है, दूसरी साइड में पंजाब हरियाणा फोर्स फैक्ट्री है। देख सकते हैं कि चारों तरफ किसान किसान है। आप क्या कहना चाहोगे? हाँ तो चलिए। नाम क्या आपका? मेरा नाम पूर्ण सिंह जी। क्या लगता है जो किसानों की जो मांग है मानेगी सरकार? मानेगी। मानेगी। यदि सरकार ने तो पिछली बार भी आश्वासन देके आपको वापस भेज दिया था। पिछली तो खा गए हैं कि नहीं खांदे? नहीं खांदे। नहीं खांदे, लेकिन देखते लेके जाओगे। ऐसा तो नहीं है कि बार बार मीटिंग टाल दी जा रही है कि कुछ समय बाद करें, कुछ आचार संहिता लग जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है, आचार संहिता लग जाए और किसान जो यहीं पर रुक जाए। कितना टाली जाएंगे? एक दो और मीटिंग देखेंगे, नहीं तो दिल्ली जाएंगे। अच्छा, एक दो मीटिंग और देखेंगे उसके बाद दिल्ली जाएंगे। कितना टाली जाएंगे? दो दिन, चार दिन, दस दिन?
एक तरफ सरकार के कहती कि हम बातचीत कर रहे हैं, वहीं रातों को मैंने सुना कि वैरीगेटिंग आगे बढ़ाने की कोशिश करी है, बात सच है कि झूठ है? नहीं झूठ है, आगे नहीं बढ़ी तो उठे रहा। नहीं नहीं उनकी तरफ से प्रशासन की तरफ जो मर्जी करी जानो। देखिए शंभू बॉर्डर पर छोटे छोटे किसान यहाँ पर आए हैं, इनके पिताजी हैं, इनके भाई, इनकी माता, ये लोग यहाँ पे जुटे हैं, उनको देखने के लिए आए। जिम्मेदार कौन होगा? पिछली बार भी 600-700 किसान शहीद हुए, एक किसान फिर शहीद हो चुका है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आइए देख सकते हैं। किना थोड़ा नाम क्या? सुवर्ण सिंह। क्या लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी? मानेगी जी, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, अड़बाई कर दी भी है। कोई नहीं। देखिए एम्बुलेंसों का आना जाना यहाँ पे लगा हुआ है शंभू बॉर्डर पर, देख सकते हैं पीछे एम्बुलेंस जा रही है, आना जाना लगा हुआ है, कहीं ना कहीं हलचल तेज हो रही है, पर शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपनी बात को मनवा रहे हैं। छोटे छोटे किसान हमने आपको दिखाए। हाँ जी आइए, क्या कहना चाहते हो आगे? और